Hello everyone, welcome to my channel Flying Medico. So I am Priyadanka here, welcome to my channel. So guys, मैं अभी इंडिया से वापस आ चुकी हूँ और लवीव में सारी यूनिवर्सिटी और स्कूल जो है वो यूजुअली ओपन हो चुके हैं क्योंकि लवीव अभी ऑरेंज जोन में है. और लवीव में जो स्कूल और यूनिवर्सिटी रन हो रहे हैं वो कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ रन हो रहे हैं, लाइक मास्क इज कम्पल्सरी एंड 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट इज नेसेसरी. सो इसलिए अभी ये सब के इन सब के चलते अभी यूनिवर्सिटी नॉर्मल चल रही है. और गाइज, अभी आप सभी को पता है जैसे कि नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और अभी जिन जिन स्टूडेंट्स का MBBS अब्रॉड का मन बन रहा है वो सभी जो भी यूक्रेन के लिए इंटरेस्टेड है उन सभी की मेरे पास क्वेरी आ रही है, लाइक उनको जो ये रिव्यू लेना है उनको यूक्रेन की जो सारी यूनिवर्सिटी है. गाइज, जो आज की वीडियो है वो इसी बारे में है कि मैं आपको यूक्रेन की सारी यूनिवर्सिटी का रिव्यू दूंगी जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो बजट में यूनिवर्सिटी है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है और जो भी वो अफोर्डेबल है या नहीं है आपके लिए. क्योंकि यूक्रेन के अंदर जो मोस्टली जो यूनिवर्सिटी है वो इतनी अफोर्डेबल है कि एक कोई भी मिडिल क्लास फैमिली उसको अफोर्ड कर सकती है. सो गाइज, बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई और उसकी जो कैंपस है वो कैसा है, उसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है और उस यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी है वो कैसी है. तो बात करेंगे लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की, क्योंकि आप सभी को पता है मैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ. तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करूँ. सो गाइज, बात करते हैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से. आप सभी को पता है मैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, इसलिए लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो सिंस 1784 से है. ये 250 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और ये यूक्रेन के अंदर टॉप 3rd रैंक में आती है. और जो ये यूनिवर्सिटी है इसके जो हॉस्टल हैं वो कैंपस के अंदर ही हैं, सिर्फ एक हॉस्टल है जो थोड़ा सा डिस्टेंस पर है. और इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो फैकल्टी है वो सारे इंग्लिश स्पोकन फैकल्टी हैं. और जो इस यूनिवर्सिटी का बजट जाता है वो 25 to 26 lakh जाता है. इसमें सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फीस है, आपके कोई भी अदर एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है. क्योंकि आपके जो अदर एक्सपेंसेस होगा ये आप पर डिपेंड करेगा, इट्स अप टू यू कि आप कितना यहाँ पे खर्च करते हो. सो अकॉर्डिंगली ही आपका बजट जाएगा. इट वो 30 lakh भी हो सकता है और 30 lakh से ऊपर भी जा सकता है. और इससे इसके बाद हम बात करते हैं टर्नोपिल और जो कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं वो यहाँ पे कुछ यूक्रेन के अंदर कुछ नेशनल यूनिवर्सिटी हैं और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी हैं. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. सो गाइस, जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है बोगोमिलेट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी. जो बोगोमिलेट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो कीव में है, यानी यूक्रेन की कैपिटल में है. और ये जो यूनिवर्सिटी है इट सेंस फ्रॉम 1841. ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी पुरानी है और ये भी यूक्रेन की टॉप 5 रैंक यूनिवर्सिटी के अंदर आती है. और जो इस यूनिवर्सिटी का बजट जाता है इट अप्रॉक्सीमेटली सेम टू द लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, यानी इसका बजट भी 25 lakh के अराउंड ही जाता है. बट इट इज़ लिटिल मच एक्सपेंसिव देन लवीव. और सेम इसका भी यही फीस स्ट्रक्चर है बट थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. और ये भी एक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी टोटल इंग्लिश स्पोकन यूनिवर्सिटी है. सो गाइस, जो 3rd यूनिवर्सिटी है वो है विनिसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी. ये इंडियंस में वन ऑफ द फेवरेट यूनिवर्सिटी है. यहाँ पे बहुत पहले से ही इंडियंस आते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस की जो रेशो है वो काफ़ी हाई है इस यूनिवर्सिटी के अंदर. विनिसा जो है एक छोटा स्मॉल विलेज टाइप टाउन आप उसको कह सकते हैं. और जो ये विनिसा है ये 1921 से है, इट सिंस फ्रॉम 1921. ये भी एक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है. इसका जो बजट जाता है ये आपके बजट में अच्छे से फिट होगी क्योंकि इसका जो बजट है वो कम है. लवीव और बोगोमिलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से इसका बजट कम होता है. इट अराउंड 22 to 23 lakh के अराउंड इसका बजट जाता है.
इसमें भी आपकी ट्यूशन फी और हॉस्टल फी इंक्लूडेड है, आपके एक्सपेंस इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। मैं जो भी आपको फी स्ट्रक्चर दे रही हूँ उसके अंदर सिर्फ आपकी ट्यूशन फी और हॉस्टल फी ही इंक्लूडेड है, प्लीज इसमें अपने एक्सपेंसेस इंक्लूडेड मत करना। सो गाइज, अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। हमारी जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है टर्नोपिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो जो टर्नोपिल यूनिवर्सिटी है वो एक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और जो टर्नोपिल है वो एक स्मॉल टाउन है जो कि लवीव के काफ़ी पास में है, और ये ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो जो गाइज, इसका जो बजट है वो ज़्यादा नहीं है, लाइक इट अराउंड 21 लाख के अराउंड इसका बजट जाता है। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है हमारी नेक्स्ट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बहुत पहले से, सिंस फ्रॉम 1945। इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन। ये काफ़ी पॉपुलर है पहले से ही, एंड जो ये एक क्लासिक यूनिवर्सिटी है दैट होल्ड द हाईएस्ट एक्रेडिटेशन लेवल। और आप जो ये सब यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई हैं, जो आप ये आपने नोटिस किया होगा कि इसमें जो लवीव है वो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। मैं इसलिए, ये एक फैक्ट है, ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं लवीव की स्टूडेंट हूँ, बट मैं भी काफ़ी रिसर्च के बाद यहाँ पे आई थी। तो लेकिन आज जो अभी जो चल रहा है, अगर कोई यूक्रेन के बारे में सोच रहा है तो लवीव में सबसे ज़्यादा पैरी आ रही हैं और लवीव के अंदर बहुत जल्दी सीट फुल हो रही हैं। तो यही रीज़न है कि लवीव बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है अभी, और ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। और आप जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग करें, अपने बजट के अकॉर्डिंग करें, क्योंकि सभी का बजट वैरी करता है। मैंने आपको यूक्रेन की सभी यूनिवर्सिटी का थोड़ा थोड़ा रिव्यू दे दिया है, और अगर आप यूक्रेन के लिए सोच रहे हैं या फिर आपको यूक्रेन में कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन, आपकी कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क फ्रीली। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर और अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी है, जिसमें कि आप जाके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और गाइज, आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ करें अपने बजट के अकॉर्डिंग ही करें। और गाइज हाँ, जो आपको ये भी बताना है कि मैं जो भी ये वीडियोस बना रही हूँ सिर्फ अपने YouTube चैनल के लिए बना रही हूँ, मेरा और कोई मोटो नहीं है यहाँ पे, सब एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मेरे YouTube चैनल के लिए। एंड जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो अपने जो कॉलेज का एक टूर बनाऊंगी, क्योंकि मोस्टली वैसे लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का टूर की वीडियोज़ काफ़ी हैं, बट वो सभी आउटसाइड फ्रॉम द व्यू इज़ फ्रॉम जस्ट फ्रॉम द आउटसाइड। मैं आप सभी को उसके अंदर का जो म्यूज़ियम है और जो क्लासेस, जैसे भी क्लासेस हैं, मैं उन सभी की आपको वीडियो शेयर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।